प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है क्योंकि मेरी सामर्थ्य निर्बलताओं में ही सिद्ध होती है। इसीलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ्य मुझ पर छाया करती रहे। हालेलुया। इस कारण से मैं मसीह के लिए निर्बलताओं में और निंदाओं में और दरिद्रों में और उपद्रवों में और संकट में प्रसन्न हूँ, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूँ तभी बलवंत होता हूँ। दूसरा कुरिन्थियों 12:9-10। जब भी हमें अपनी इच्छा अनुसार सारी खुशी मिलती रहती है तब हम ईश्वर से यानी कि प्रभु यीशु मसीह से दूर होने लगते हैं। हम यह भूल जाते हैं यह सब हमें प्रभु के अनुग्रह से ही मिला है, ना कि अपने सामर्थ्य से। और जब हम तकलीफ में होते हैं तब यह कहने लगते हैं कि हे प्रभु, आपने मेरे मुसीबतों में मुझे छोड़ दिया है। क्या ये सही है? नहीं, हम प्रभु को भूल जाते हैं। इस प्रभु हमें नहीं भूलता है। खुशी हो या दुखी, हमें हर पल परमेश्वर से जुड़े रहना है और उससे प्रार्थना करते रहना है। हर बातों पर उसको धन्यवाद देना है, क्योंकि जब हम प्रभु से जुड़े होते हैं प्रार्थना के द्वारा तब हमारे मन में असीम शांति का अनुभव करते, साथ ही हर बात में उसको धन्यवाद देना है, क्योंकि जब हम प्रभु से जुड़े होते हैं प्रार्थना के द्वारा तब हमारे मन में असीम शांति का अनुभव करते, साथ ही साथ हमारी समस्याओं का भी हल निकलते रहता है। हम परमेश्वर से प्रार्थना करके सारे काम करें तब हमें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। हालेलुया। मेरे प्रिय, बहुत से मसीह भाई बहन यहाँ पास गिर जाते हैं। उनके विरुद्ध में जब शैतान खड़ा होता है, जब संकट में पड़ते हैं, जब उनके ऊपर दुख तकलीफ आता है तो परमेश्वर को भूल जाते हैं, परमेश्वर के विरुद्ध हो जाते हैं और उससे बुड़वाना चालू कर देते हैं। और जब हमारे जीवन में सुख रहती है तो परमेश्वर को भूल जाते हैं, और जब उनके जीवन में फिर दुख तकलीफ आता है तो फिर वो प्रभु के करीब आ जाते हैं। इसलिए मैं पियो, हर समय हर पल हम प्रभु से प्रार्थना करने वाले हो जाए, चाहे परिस्थितियाँ आपके विपरीत में ही क्यों ना। यहाँ लिखा है हम हर बातों में उसको धन्यवाद देना है, क्योंकि जब हम प्रभु से जुड़े होते हैं प्रार्थना के द्वारा तब हमारे मन में असीम शांति होता है, अनुभव होता है, साथ ही हमारी समस्याओं का भी समाधान मिलते रहता है। इसीलिए हमें उससे निरंतर तौर पर प्रार्थना करते रहना है, चाहे दुख हो चाहे सुख हो, हमें हर पल प्रभु के साथ रहना है, उसके साथ बने रहना है, प्रार्थना में जीवन बिताना है, उसकी आज्ञाओं को पालन करते रहना है। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। वीडियो को लाइक कमेंट सही के सभी जाने पहचाने वालों को भेजिए, ताकि आपके द्वारा व्यक्ति भी यीशु मसीह को जानकर अपने जीवन का उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार कर सके। गॉड ब्लेस यू।